हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं विवेक, स्टडी इंडिया डॉट डिजिटल वे ऑफ लर्निंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं बता दूं, ये सेशन है स्पेशल फॉर रेलवे, एसएससी। रेलवे में मैं बात करूं तो एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरआरबी जेई के साथ साथ जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें जनरल साइंस का सिलेबस टिल अप टू 10th स्टैंडर्ड दिया हुआ होता है, उसमें दोस्तों यूनिट एंड डायमेंशन से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। डायमेंशन आपसे पूछा जाता है, जैसे जैसे फोर्स का डायमेंशन पूछ देगा, पावर का डायमेंशन पूछ देगा। तो ये सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं दोस्तों डायमेंशन के साथ साथ यूनिट। सबसे पहले मैं डायमेंशन की बात करूंगा, उसके बाद यूनिट्स की बात करूंगा। मैं बता दूं, अगर आप ये सेशन देख लेंगे तो डायमेंशन फिर कभी आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप डायमेंशन के एक्सपर्ट बन जाओगे। डायमेंशन दोस्तों याद नहीं करना होता, ये फॉर्मूला से निकलता है। और जाहिर सी बात है, फॉर्मूला सभी को याद होता है, क्योंकि फॉर्मूला के बिना न्यूमेरिकल नहीं बन पाता है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये चैनल दोस्तों गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाता है। जो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाता है दोस्तों, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे कोई पेड कोर्सेज नहीं चलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि जितनी भी इम्पोर्टेंट वीडियो इस पर अपलोड है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। साथ में दोस्तों वीडियो को एक दिल से लाइक कर दें, और लाइक करके दोस्तों वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। अब आप हमें फेसबुक कनेक्ट हो सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ में मैं आपको बता दूं, आपके लिए ही एक न्यू चैनल स्टडी इंडिया अड्डा टीम के द्वारा स्टडी इंडिया अड्डा व्लॉग्स, ध्यान दीजिएगा स्टडी इंडिया अड्डा व्लॉग्स, उसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उस पर भी आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा स्टडी मटेरियल, साथ साथ प्रैक्टिस सेट वगैरह स्टडी इंडिया अड्डा व्लॉग्स पे भी होगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे से तरीका से सेशन को स्टार्ट कीजिएगा, और सेशन की लास्ट तक देखने का कोशिश कीजिएगा। आप 10 से 15 मिनट देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा हाउ मच इंपॉर्टेंट सेशन, कितना इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए होने वाला था। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायमेंशन की बात करेंगे। डायमेंशन को में क्या चीज याद रखना है, वो चीज मैं पहले आपको बताऊं। आप अपने स्क्रीन पे देखें, जो याद रखना है मैं उसे बता रहा हूं, उसे लिख रहा हूं, बस इसी को याद रखना है दोस्तों, और कुछ भी याद नहीं रखना है। किसी तरह का डायमेंशन पूछे किसी भी चीज का तो आप निकाल सकते हैं। बस 5 से 10 मिनट जरूर वीडियो को देखना, आपको समझ में आ जाएगा। फिजिकल क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूं, तो फिजिकल क्वांटिटी 7 होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है दोस्तों वो 7 होती है, सभी को पता होना चाहिए। जिसमें क्या आता है, लेंथ आता है जी, लेंथ के साथ साथ क्या होता है, मास आता है, मास के साथ साथ क्या आता है, टाइम आता है, टाइम आता है, टाइम आता है, टेम्परेचर आता है। ये याद रखना है दोस्तों, ये यूनिट में भी काम देगा, जो मैं अभी लिख रहा हूँ ये यूनिट में भी काम देगा। टेम्परेचर आता है, टेम्परेचर के बाद क्या आता है जी, टेम्परेचर के बाद इलेक्ट्रिक करेंट आता है, इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट, ये तो सभी को पता होगा। और उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, चलिए उसके बाद आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेज, यहाँ तक क्लियर है सभी को। उसके बाद यूनिट की मैं बात करूं जो, तो लेंथ का यूनिट जो होता है वो मीटर होता है, सभी को पता है मीटर में लेते हैं, और इसका किलोग्राम में मास को मेजर करते हैं, और टाइम को सेकंड में, ऐसे यूनिट टेम्परेचर को केल्विन, केल्विन के साथ साथ दोस्तों आपको कहीं थीटा वगैरह भी देखने को मिलता है। इसे चलिए मीटर हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इलेक्ट्रिक करंट किस में लिया जाता है, एम्पियर में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला, ठीक है, क्लियर है, सी डी से सिंबल इसका लिखते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मैं बात करूँ तो मोल है ना, ये दोस्तों ये सब मैं सिंबल लिख रहा हूं, मोल क्या है जी, सिंबल है, सिंबल ही याद रखना है, ठीक ना, मोल इसका, मोल एम ओ एल होता है सिंबल, ठीक है, और जो इसका यूनिट होता है एम ओ एल ही होता है, ध्यान दीजिएगा, यहां तक सभी को क्लियर है। इसके बाद दोस्तों सिंबल तो मैं लिख दिया, सिंबल हो गया, इसके बाद डायमेंशन ध्यान दीजिएगा, मैं डायमेंशन की बात कर रहा था, तो कुछ कुछ डायमेंशन आपको पता रखना है। लेंथ को जो डायमेंशन लिखते हैं ना दोस्तों वो एल लिखते हैं, ठीक है, मास को क्या लिखते हैं जी, एम से लिखते हैं, ठीक है, और टाइम को क्या लिखते हैं, टी से लिखते हैं, टेम्परेचर को केल्विन से लिखते हैं, और एम्पियर को दोस्तों ए से लिखते हैं या फिर आई से, ये दोनों चीज आपको मिलेगा, बस इतना ही याद रखिए। इसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का फॉर्मूला बहुत कम बनते हैं,
इसलिए इसका डायमेंशन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। चलिए अब हम लोग सीख लेते हैं कैसे लिखा जाता है। स्टार्ट करें, डायमेंशन कैसे लिखा जाता है बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। कहीं भी डाउट आए तो उसे पॉज करके वीडियो को समझिएगा, नहीं समझ में आता है तो कमेंट में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको बहुत ही अच्छे तरीका से बेस्ट वे में समझाया जाएगा ताकि आप समझ जाए। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला है जी एरिया से स्टार्ट करते हैं। एरिया एरिया ठीक है, थोड़ा सा इसको और ठीक कर लेते हैं। ठीक है, एरिया एरिया क्या होता है जी, एल इंटू एल, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, एल इंटू ब्रेथ होता है, सभी को फॉर्मूला पता है। दूसरी बात, लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है जी, लेंथ का एसआई यूनिट लेंथ का मीटर होता है, और ब्रेथ को भी मीटर में ही मापते हैं दोस्तों, क्योंकि दोनों एक लंबाई है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यूनिट अगर लिखना रहा तो मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। मीटर जो है, आप देखिए टेबल में बताऊं, मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है और लेंथ का डायमेंशन को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मीटर जो है वो लेंथ का डायमेंशन है और लेंथ का यूनिट को, डायमेंशनल यूनिट को एल से लिखते हैं, तो मीटर की जगह एल लिख सकते हैं डायमेंशन में, तो डायमेंशन में इसको ऐसे लिख सकते हैं जी, एल स्क्वायर, और जो डायमेंशन होता है उसको बड़ा ब्रैकेट में कर देते हैं। ठीक है, और आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, इस टाइप से भी देखने को मिलेगा, एम जीरो एल स्क्वायर टी जीरो, दोनों सही है जी, दोनों ये सही है, क्योंकि जो डायमेंशन होता है ना उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है एम एल टी के फॉर्म में ही लिखा जाता है। डायमेंशन फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म में एम एल टी के फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन आपको ऑप्शन में अगर एल स्क्वायर में मिल जाए तो ये भी सही है। एम के पावर अगर जीरो है तो उसका मतलब वन हो गया, और टी के पावर अगर जीरो है तो इसका मतलब ये वन हो गया, तो ये दोनों दोस्तों वन से एल एल स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो एल ही स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए ये दोनों सही है। यहाँ तक क्लियर, याद नहीं रखना है डायमेंशन, मैं थोड़ा सा सिंपल से थोड़ा सा हार्ड फॉर्मूला की ओर बढ़ूंगा ताकि सभी डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीका से देखिएगा। उसके बाद वॉल्यूम, ठीक है जी, वॉल्यूम का सर कैसे लिखें, वॉल्यूम क्या होता है जी, लेंथ इंटू होता है ब्रेथ इंटू हाइट होता है, तीनों लेंथ आ गया, सबको तो मीटर में ही मापते हैं जी, लेंथ को भी मीटर में लेते हैं, ब्रेथ को भी मीटर में लेते हैं, हाइट को भी मीटर में लेते हैं, तो इसका यूनिट क्या हो गया जी, मीटर क्यूब हो गया। क्लियर है यहां तक, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल सही सर, सही इस बात है। इसके बाद इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम जीरो एल क्यूब टी जीरो, बिल्कुल सही सर, यहां तक सभी को क्लियर। इसके बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं मास डेंसिटी, डेंसिटी की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्लियर, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है दोस्तों, मास वाई, मास वाई वॉल्यूम। ठीक है जी, मास वाई वॉल्यूम पता है, मास क्या होती है जी, केजी में मीटर मेजर करते हैं। ठीक है, केजी लिख दिए। दूसरी बात, वॉल्यूम किस में मेजर करते हैं जी, मीटर क्यूब में, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, क्लियर है यहां तक, सभी को क्लियर होना चाहिए। उसके बाद इसका डायमेंशन लिखे, केजी जो है किलोग्राम, किलोग्राम देखिए मास का यूनिट है, मास का यूनिट किलोग्राम है, उसका डायमेंशन क्या लिख रहे हैं दोस्तों, एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो फर्स्ट लेटर है नेम में उसी को डायमेंशन में लिया जाता है, बिल्कुल अच्छे से, टेम्परेचर को के में लिया जाता है। ठीक है, आप जरा ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर को के में साथ साथ थीटा में भी कहीं कहीं मिल जाएगा, टेम्परेचर जो है वो केल्विन के साथ साथ आपको थीटा में भी कहीं कहीं मिल जाएगा, तो थीटा भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है जी सभी को, तो देखिए केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है ना, तो इसको लिखिए कैसे हो जाएगा, केजी है तो मास इसमें है तो एम से केजी को लिख दिए, बाई एल क्यू लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं। अब जो इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगा, मैथमेटिक्स यूज कर रहा हूं यहाँ पे, कोई फिजिक्स यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, एम एल टू दी लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल ये भी डायमेंशन सही है, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, एम एल माइनस क्यू टी टू दी पावर जीरो। चलिए क्लियर यहां तक। इसके बाद हम लोग किसका लिखे, आप लोग बताइए, वेलोसिटी के लिखे, चलिए सर थोड़ा वेलोसिटी बता दें, वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी में लिख रहा हूं, वेलोसिटी का और स्पीड दोनों सेम होगा दोस्तों, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट और स्पीड में डिस्टेंस लिया जाता है जी, क्लियर यहां तक, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट तो दोनों का सेम है, बस क्वांटिटी अलग है, एक स्केलर है और एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्लियर, तो वेलोसिटी क्या होती है जी,
डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर? डिस्प्लेसमेंट जो होता है सर वो मीटर में होता है, टाइम सेकेंड में होता है। मीटर पर सेकेंड, मीटर लेंथ हो गया सर, और सेकेंड क्या हो गया? टाइम हो गया। तो एल टी माइनस वन लिख देंगे, टी ऊपर चल जाएगा। क्लियर यहां तक? ऐसे लिख सकते हैं जी, एम जीरो एल टी माइनस वन। क्लियर यहां तक? चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद किसका लिख लें? चलिए थोड़ा सा अब एक्सेलरेशन वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन का लिख लिया जाए। एक्सेलरेशन क्या होती है जी? वेलोसिटी पर अपन टाइम। वेलोसिटी का अभी मैं निकाला, क्या निकाला? एल टी माइनस वन। टाइम टी क्या हो जाएगा जी? एल टी माइनस वन, फिर ऊपर जाएगा माइनस वन, तो क्या हो जाएगा जी? एल टी माइनस टू। क्लियर? ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर यहां तक? चलिए एम जीरो एल टी माइनस टू एक्सेलरेशन का आ गया। इसके बाद क्या बढ़े? फोर्स का बढ़ते हैं, थोड़ा सा बस स्टैंडर्ड की ओर बढ़ते हैं, जिसका पूछा जाता है। ये सब तो पूछा नहीं जाता, लेकिन देखते हैं ये सब भी कहीं कहीं पूछ लिया जाता है। फोर्स का लिखिए। फोर्स का सबसे पहले फॉर्मूला बताइए आप लोग, क्या होती है जी? फोर्स का फॉर्मूला बताइए सभी लोग। मास गुने एक्सेलरेशन। क्लियर यहां तक? मास गुने एक्सेलरेशन होती है, तो इसको क्या लिखें? मास का अब हम लोग चलिए यूनिट पहले लिख ले। ऐसे फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन भी होता है, न्यूटन के अलावा और कुछ भी तो होगा, ये भी तो होता है जी, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर यहां तक? यहां तक क्लियर? चलिए अब इसको लिखें। यहां से भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन यहां से भी लिख सकते हैं। यहां से आपको एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। हमने एक्सेलरेशन को यूनिट ही लिख दिया, और यूनिट से लिखने में डायमेंशन बहुत आसान होता है। एक बात याद रखिएगा जो मैं बोल रहा हूं, यूनिट सबसे पहले जिस क्वांटिटी का, जिस फिजिकल मेजरमेंट का आपसे पूछ दे डायमेंशन लिखने, सबसे पहले उसका क्वांटिटी निकाल लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, साइंटिस्ट का नेम के फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो होता है उसमें आप उसका यूनिट निकाल लीजिए, और यूनिट निकालने के बाद उसे सजा दीजिए डायमेंशन पे। जैसे मैं देखिए केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाल लिया। इसको डायमेंशन में समझाता हूँ जी, अच्छे से देखिएगा। केजी किसका है? मास का डायमेंशन होता है, और उसके बाद देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर का क्या लिखते हैं? लेंथ लिखते हैं, बाई सेकेंड का टी स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख देंगे जी एम एल टी, ऊपर चल जाएगा माइनस टू। क्लियर? कितना अच्छा चीज। आगे बढ़े, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फोर्स तक सभी को समझ में आ गया, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं पावर का। ठीक है, पावर क्या होता है? पावर से पहले वर्कडन का बता दीजिए ना सर। वर्कडन और एनर्जी का दोनों का सेम होता है, मैं बताऊं पहले, वर्क और एनर्जी दोनों का सेम होता है, ठीक ना? वर्क और एनर्जी का सेम होता है। वर्क का ध्यान दीजिएगा जी, वर्क जो होता है क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फॉर्मूला में एनर्जी की नहीं बात कर रहा हूं मैं, ऐसे एनर्जी हम आप मत लिखिए, कंफ्यूज हो जाएगा। ऐसे डायमेंशन की बात करें ना, तो वर्क और एनर्जी का डायमेंशन दोनों का सेम होता है। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होती है, होती है। फोर्स का अभी क्या लिखे? ये लिखे, लिखे कि नहीं लिखे, छोड़िए फोर्स का क्या लिखे उस पर ध्यान मत दीजिए। हमको याद थोड़ी ना ऐसा कि डायमेंशन, एग्जाम में हम सबका डायमेंशन याद करते थोड़ी ना चलेंगे। मैं अभी उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, डायमेंशन फोर्स का मत याद रखिए। आपसे वर्क का पूछ रहा है, फोर्स का तो यूनिट याद रखिए। यूनिट नहीं याद है तो फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला से पहले यूनिट बनाइए, यूनिट के बाद फिर डायमेंशन लिखिए, जाहिर सी बात है। तो हमको तो यूनिट याद है, फोर्स का यूनिट क्या होता है? केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी ये देखा देखा यहाँ डायमेंशन क्या होता है जी? मीटर में लिया जाता है। डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मीटर में। अब लिख दीजिए ना, जाहिर सी बात है। अब लिखिए केजी क्या होता है? मास हो गया, एल हो गया, सेकेंड क्या हो गया? टी स्क्वायर इंटू एल एम, देखिए क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। क्लियर? यहां तक सभी को क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। और दूसरी बात, मतलब मैं देखा हूं सभी लोग इसे याद करते रहते हैं, सोचते हैं इसे याद कर ले। दूसरी बात मैं बताऊं, डायमेंशन अगर आसान सा पूछ दे, याद है तो हो गया, सही वहां पे कर लीजिएगा, नहीं तो डायमेंशन में अक्सर कंफ्यूज हो जाइएगा। डायमेंशन याद करने का चीज ही नहीं होता है। अगर आप इसे कैसे रटिएगा, सोचिए आप एम एल स्क्वायर टी माइनस टू,
और ऑप्शन में अगर थोड़ा सा मिस आपसे मिसकंसेप्ट हुआ, थोड़ा सा भूल गए, तो एम के पावर स्क्वायर वाला टिक करके चलाइए, गलत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों डायमेंशन को याद नहीं रखिए, डायमेंशन बनाने का कोशिश कीजिए। कैसे बनाए? हाँ, फॉर्मूला याद रखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि फॉर्मूला याद रखिए। फॉर्मूला जिस उस मतलब फॉर्मूला अगर अच्छे से याद है तो न्यूमेरिकल भी बन जाएगा, और न्यूमेरिकल आजकल देख रहे हैं सभी एग्जाम में पूछा जा रहा है, जितना गवर्नमेंट एग्जाम है न्यूमेरिकल को टारगेट कर रहा है। इसलिए फ्रेंड फॉर्मूला को याद रखना है, क्योंकि फॉर्मूला याद करने से आपका दो काम हो रहा है, पहला डायमेंशन बन जाता है, दूसरा बात आपका न्यूमेरिकल बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर यहां तक सभी को? क्लियर। इसके बाद हम लोग पावर का निकाल लें। पावर क्या होती है जी? पावर होता है वर्क डन अपन टाइम। वर्क डन का तो निकाल लिए, तो टाइम से इसमें डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा, जाहिर सी बात है आ जाएगा। और ये जो है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए एनर्जी का फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, मैं लिख दिया हूं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि बीच ऑफ द फ्लोविंग है सेम डायमेंशन एज वर्क, वर्क का डायमेंशन से सेम किसका होगा, ये क्वेश्चन पूछेगा। ऑप्शन में आपको एनर्जी वगैरह रहेगा, पावर वगैरह रहेगा, तो आपको ध्यान दीजिएगा एनर्जी और वर्क का डायमेंशन सेम होता है। क्लियर है तक सभी को? चलिए जी आगे है मेरे मित्र, पावर। पावर क्या होती है जी? वर्क डन अपॉन टाइम होता है। वर्क डन क्या होता है भाई? जाहिर सी बात सभी लोग बता ना, वर्क डन क्या होती है? अभी मैं बताया यार, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है ना, तो वर्क डन का आप लोग इसे और मतलब मैं यहां से डायरेक्ट लिख देता हूँ ताकि टाइम का बचत हो, लेकिन आप लोग इसका पावर का यूनिट स्टैंडर्ड जो यूनिट होता है उसे निकाल कर भी बना सकते हैं, ठीक है? तो मैं यहां से लिख देता हूँ एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, पावर का आ गया वर्क डन का आ गया भाई टी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ऊपर चल जाएगा टी माइनस वन, यानी एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। क्लियर जी यहां तक सभी को? क्लियर। आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं सर, आप मतलब ऊपर से यूज कर लिया, हम लोग का वर्क डन याद नहीं रहेगा तो कैसे लिखेंगे? चलिए थोड़ा सा मैं बता दूं, क्योंकि माइंड कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ होना चाहिए, तभी बेनिफिट होगा। इसका क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का हम लोग क्या लिखते हैं? के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट के मीटर बाई क्या करना है भाई, क्या करना है बताइए? टाइम से डिवाइड कर दीजिए, तो सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, यानी के जी मीटर स्क्वायर नीचे सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। के जी को क्या लिखेगा? एम लिखेगा ना जी, और मीटर को एल स्क्वायर लिखेगा क्योंकि स्क्वायर है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे जब स्क्वायर हो गया तो क्यू हो जाएगा, ठीक है? यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये दोनों में, ठीक है? तो एस क्यू हो गया, इसका क्या लिखेगा? टी क्यू लिखेगा। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री आ गया, सेम आ गया ना। यानी कहने का मतलब मित्र, कहने का मतलब ये है कि डायमेंशन पूरा खेल किसका है? फॉर्मूला का है। डायमेंशन किसका पूरा खेल है जी? फॉर्मूला का है। फॉर्मूला याद है, डायमेंशन किसी का दे दे, किसी चीज का दे देना, दुनिया का सबका डायमेंशन आज के बाद बना लेना, याद मत करना। मैं देखा हूँ सभी लोग रटते रहते हैं, रटना कोई उचित चीज नहीं है दोस्तों। रटो वही चीज जो दो जगह बेनिफिट हो, मतलब आपको और जगह पे बेनिफिट दे, उसी को रटना है। जैसे फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला बोलूंगा रटिए, फॉर्मूला में कोई चीज नहीं है, फॉर्मूला रटिए, कॉन्सेप्ट समझिए, फॉर्मूला रटिए और डायमेंशन को बनाने का कोशिश कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों प्रेशर, प्रेशर की भी देख लो। प्रेशर, प्रेशर मीजर पास्कल में क्या जाता है पता है ना सभी को? फोर्स पर यूनिट एरिया है ना, कितना फोर्स लगाएं एक यूनिट एरिया में उसी को प्रेशर कहते हैं। दोस्तों प्रेशर जो है वो फोर्स होता है, फोर्स का डायमेंशन इसको पहले, फोर्स क्या होती है जी? एम एल टी माइनस टू होती है, एरिया मीटर स्क्वायर होगा तो एल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस टू एल माइनस टू, यानी क्या हो जाएगा? एम एल माइनस वन टी माइनस टू। क्लियर है यहां तक? मैं एक स्टेप आगे करके बना दिया ताकि दोस्तों अब सब सब कुछ मैं सबका इसका भी फोर्स का निकालूं, यूनिट निकालते चलूं तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, आप लोग इसे थोड़ा माइंड में रखिएगा, ठीक है ना? और जिसका मैं यहाँ पे स्क्रीन पे करवा रहा हूँ, कुछ कुछ का करवाऊंगा, कुछ कुछ का मैं बोल दूंगा, ये सब देख लीजिएगा, उसको आप लोग घर पे प्रैक्टिस जरूर कर लेना है ना। घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो माइंड में बना रहेगा और उससे सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये सब जो टॉपिक है ना, यूनिट एंड डायमेंशन हो गया और
और कुछ कुछ केमिस्ट्री में टॉपिक हैं दोस्तों, वो सब टॉपिक आपको स्कोरिंग टॉपिक होता है एग्जाम में, ये सब स्कोर करने वाला टॉपिक होता है। क्योंकि ये सब का कॉन्सेप्ट लगभग आप किसी का एग्जाम का प्रिपरेशन करो, कॉन्सेप्ट तो सेम है और क्वेश्चन तो आना ही है, तो एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है, तो एक एक मार्क्स भी तो मेरा जो है ना उस क्वेश्चन पे कन्फर्म रहेगा। इसलिए यूनिट एंड डायमेंशन अच्छे से कर लीजिएगा, यहाँ तक क्लियर है। इसको आप आगे फर्दर जैसे फोर्स का यूनिट निकालिए, उसके बाद एरिया की यूनिट से डिवाइड कीजिए तो एक यूनिट आ गया, उस यूनिट पे डायमेंशन को सजाइए तो फिर यही निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को, हम एक स्टेप आगे बढ़ गए ताकि क्लियर होते चले। उसके बाद आपको पूछा जाता है दोस्तों, अच्छा प्रेशर जो है, प्रेशर का सेम होता है स्ट्रेस का, डायमेंशन और प्रेशर और स्ट्रेस का दोनों का सेम होता है, क्लियर। उसके बाद स्ट्रेन पूछा जाता है जी, स्ट्रेन का डायमेंशन पूछा जाता है, स्ट्रेन का डायमेंशन पूछा जाता है। तो स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है, आपको पता होना चाहिए मेरे मित्र, स्ट्रेन जो होता है डायमेंशन लेस होता है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, मैं ना जाने कितनी बार क्वेश्चन स्ट्रेन का पूछा है। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा क्वांटिटी डायमेंशन लेस है, तो उसको कैरेक्टर क्या आना है, क्या स्ट्रेन, आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए। स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, स्ट्रेन होती है दोस्तों चेंज इन डायमेंशन बाय, फॉर्मूला में बात कर रहा हूँ जी मेरे मित्र, डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, क्लियर, ओरिजिनल डायमेंशन, यहाँ तक सभी को लिया। चेंज इन डायमेंशन मेरे मित्र क्या होती है, सभी को पता होना चाहिए भाई, चेंज इन डायमेंशन तो सर LYL, डायमेंशन जैसे चेंज इन डायमेंशन, जैसे हमने सपोज डेट कर रहा हूँ, डायमेंशन की मैं बात करूं, पहले मैं लेंथ की डायमेंशन की चेंज कर रहा हूं, उसके बाद ओरिजिनल डायमेंशन तो को भी, मतलब सपोज दैट 5 मीटर है दोस्तों, उसको हम 10 मीटर कर दिए, तो भाई उसका जो यूनिट है वो दोनों तो मीटर में रह गया, तो मीटर में रह गया तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला तो सेम होगा, तो ऊपर भी लिख सकते हैं लेंथ और नीचे भी लिख सकते हैं लेंथ, तो लेंथ और लेंथ तो कट गया भाई, तो 0 आ गया, 1 आ गया, ठीक है 1 आ गया, इसको ऐसे लिख दो M0, L0, T0, सब पे पावर 1, 1 इंटू 1, 1 0, डायमेंशन लेस हो गया, जाहिर सी बात है। इसको अगर वॉल्यूम का डायमेंशन की बात करें तो उसका भी अगर डायमेंशन चेंज किए तो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी तो चेंज होगा, यूनिट तो वही रहेगा दोनों में, ओरिजिनल डायमेंशन LYL3, ये भी 1 आ गया, इसको भी ऐसे लिख दीजिए M0, L0, T0, आपको दोनों फॉर्म में मिलेगा, ये भी मिलेगा, ऐसे भी मिलेगा, ऐसे भी मिलेगा, ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड, नेक्स्ट अपने पास आपको याद रखना है क्या, सरफेस टेंशन पूछता है, सरफेस टेंशन पूछ लिया जाता है, सरफेस टेंशन, ठीक है ना, सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है जी, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। फोर्स का आपको सभी को पता है, अभी बताया डायमेंशन क्या होता है, MLT-2 बाई लेंथ का L, तो क्या हो जाएगा ML स्क्वायर, स्क्वायर कैसे हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा ना, ML0T-2, क्लियर यहाँ तक। इसके बाद आपसे पूछेगा सरफेस टेंशन के बाद एनर्जी वगैरह का, सरफेस एनर्जी का तो पूछा नहीं जाता है, ग्रेडियंट में अगर बात करें तो वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी और प्रेशर ग्रेडियंट पूछा जाता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है जी। वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात करूं तो क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, प्रेशर ग्रेडियंट भी आपसे पूछे तो प्रेशर अपॉन डिस्टेंस करके निकाल लीजिएगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट पे क्या होता है, वेलोसिटी अभी पता कि LT-1 होता है, डिस्टेंस L हो गया, क्या हो गया, L से L ऊपर जाएगा 0, T-1 हो गया, जैसी बात, क्लियर यहां तक सभी को, क्लियर होना ही चाहिए, आप यहाँ पे अपना टाइम दे रहे हैं तो टाइम का यूटिलाइज अच्छे से करें, वरना कोई बेनिफिट नहीं है टाइम को ऐसे ही बर्बाद करने का। M0 L0 T-1, क्लियर यहां तक। चलिए इसके बाद क्या याद रखना है सर, हम लोग तो बहुत देख लिए डायमेंशन, उसके बाद आपको याद रखना है प्रेशर एनर्जी, ये सब नहीं पूछा जाता, ये सब 11th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट हो गया प्रेशर एनर्जी। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हाँ एंगल का एक याद रखना भाई, एंगल और इसे क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोलो, दोनों का सेम होता है डायमेंशन, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एंगल क्या होती है, जिसे थीटा होता है, थीटा क्या होता है, आर्क वाई रेडियस होता है, ये तो फॉर्मूला पता है सभी को, नहीं पता है तो याद कर लीजिए,
हमने आए थे यूनिट एंड डायमेंशन देखने, हमने फॉर्मूला भी याद कर लिया, याद होना चाहिए है ना। आर्क वाई रेडियस, आर्क वाई रेडियस दोस्तों आर्क जो है उससे भी लेंथ में मेजर करते हैं, रेडियस को लेंथ में मेजर करते हैं, क्लियर। तो ये भी हो गया जी, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। आज के बाद एक चीज और आपको पता कर चल गया क्या, कि एंगल भी होता है जो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन क्लियर। एंगल हो गया डायमेंशन लेस, देख लो भाई फॉर्मूला वन आ गया डायमेंशन। दूसरी बात और क्या होता है, स्ट्रेन भी होता है डायमेंशन लेस। दो चीज बताया, डायमेंशन लेस याद रखिएगा, स्ट्रेस और सॉरी स्ट्रेन, स्ट्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, स्ट्रेन, स्ट्रेन और एंगल दोनों क्या होता है, डायमेंशन लेस, ठीक क्लियर। यहां तक आगे बढ़ते हैं, आगे उसके बाद आपसे पूछा जाएगा दोस्तों मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, ये सब तो दोस्तों 11th का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसके बाद अगर आपसे पूछे, कुछ पूछे तो एस्केप, काइनेटिक एनर्जी, हाँ चलिए काइनेटिक एनर्जी का जरा डायमेंशन लिख देते हैं, क्या कि ये सब पढ़ना है, पूछा जाता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है जी, हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, तो जाहिर सी बात है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ये तो मैग्नीट्यूड है, इसका कोई लेन देन यहाँ नहीं है। एम क्या होता है, मास होता है जी, मास का क्या लिखते हैं, कैपिटल एम से। वेलोसिटी का सभी को तो अभी पता है क्या हमने लिखा, एल टी माइनस वन लिखा, इसका होल स्क्वायर करना है जी, होल स्क्वायर कर दिए सर, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, कितना इजी है यार, कितना इजी है, बस कॉन्सेप्ट। और दूसरी बात, आपको किसका किसका याद रखना है माइंड में, अगर आप चाहते हैं कि सर मेरा थोड़ा सा और इजीली बने, थोड़ा सा और इजीली बने, मतलब हम थोड़ा सा टाइम को और मतलब लेस में बनाएं, टाइम ज्यादा नहीं लगे, तो आपको याद होना चाहिए वेलोसिटी का याद रखिएगा, वेलोसिटी का याद रखिएगा, एक्सेलरेशन का याद रखिएगा, फोर्स का याद रखिएगा। चलिए ये तीन याद रखिएगा, वेलोसिटी क्या होता है, एल टी माइनस वन, एक्सेलरेशन क्या होता है, एल टी माइनस टू, फोर्स क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर, इसे वन कर लीजिएगा, एल टी माइनस वन, ये तीन याद रखिएगा, क्योंकि ये तीन के रिलेटेड बहुत सारा फॉर्मूला यूज होते हैं, जैसे हाफ एम बी स्क्वायर हो गया, वर्क डन क्या हो गया जी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स याद रहेगा तो कितनी आसानी से बन जाएगा, यानी वेलोसिटी एक्सेलरेशन फोर्स को तीन को याद रख लीजिए माइंड। देखिए जितना फॉर्मूला है ना लगभग यही तीन कॉन्सेप्ट पे है, जैसे फिर और मैं बात करूं तो आपसे पूछेगा हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का बात किए, पोटेंशियल एनर्जी का बात करें तो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट होता है। चलिए हाँ पोटेंशियल एनर्जी की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है जी, एम इंटू जी इंटू एच, मास पता है ना सभी को, एम और जी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन जाहिर सी बात है इसका यूनिट क्या होगा, एल टी माइनस टू, यहां से लिखा हूं ये रामबाण है, तीनों याद रखिएगा, एल टी माइनस टू। ऑफ हाइट क्या होता है, लेंथ होता है, यहां तक क्लियर, क्या हो गया जी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, क्लियर यहां तक। चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, डायमेंशन को ब्रैकेट में लिखा होता है, लिखना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एक एसएससी की बात कर रहा हूँ, किसी मतलब 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, डायमेंशन सही दे रखा था, लेकिन वहां पे सिर्फ क्या देखना था, ब्रैकेट देखना था, किस में ब्रैकेट लगा हुआ था, बहुत लोग कंफ्यूज करके आए थे, बिना ब्रैकेट वाला लगाकर चल आए थे, और बिना ब्रैकेट वाला पहला ऑप्शन था, इसलिए इसलिए आपको ब्रैकेट ब्रैकेट देख कर लगाना है, ब्रैकेट भी होना चाहिए डायमेंशन में। चलिए आगे बढ़े, आगे आपसे पूछेगा तो कुछ पूछेगा नहीं, लेकिन जेई आरआरबी जेई तक पूछ सकता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का पूछ सकता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट जो कैपिटल जी होती है उसका यूनिट एस एस यानी सीनियर सेक्शन इंजीनियर में पूछा है, तो इसके जेई के लिए मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज है। ये फॉर्मूला सभी को पता है, जे इन टू दोनों का मास वाइड दोनों का डिस्टेंस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला तो सभी को पता है, तो जाहिर सी बात है कैपिटल जी का पूछे तो ए फॉर स्क्वायर बाय, यहां तक सभी को क्लियर है। तो जी इसके बाद क्या करना है, देखिए फोर्स का डायमेंशन सभी को पता है, एम एल टी माइनस टू, मैं अभी बोला कि इसको याद रखिएगा। इसके बाद क्या करना है जी, एल स्क्वायर हो गया, रेडियस है तो मास का क्या हो जाएगा, केजी है तो एम स्क्वायर हो गया। यहां तक सभी को क्लियर जी सर, क्लियर है।
क्या हो गया, एम इंटू ऊपर चल जाएगा एम माइनस टू एल इंटू एल स्क्वायर। क्लियर यहां तक, ए माइनस वन एल थ्री हो जाएगा ना जी, हाँ टी माइनस टू आ गया ए माइनस वन एल थ्री टू। क्लियर यहां तक, ये होती है कैपिटल जी का। कितना इजी है, कितना इजी आप देख सकते हो, सिर्फ फॉर्मूला को पता रखना है, कितना भी टफ पूछ दे तो आप निकाल लोगे आराम से। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बोलता हूँ, जैसे आप लोग हाँ थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा करंट के टाइप से, जैसे चार्ज वगैरह का नहीं करवाया, चार्ज का देखिए ठीक ना जी। चार्ज का क्या होता है जी, करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम होता है। क्लियर है सभी को, आपको पता होना चाहिए क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है, तो सभी को पता है। करंट का हम लोग ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी किसी बुक में ए किसी किसी बुक में आई से रहता है, लेकिन ज्यादातर ए से लिखा हुआ होता है। क्लियर यहां तक सभी को, क्लियर है। तो देखिए चार्ज की मैं बात करूं, करंट को क्या लिख दीजिए ए से, टाइम को क्या लिख दीजिए टी से, क्या हो जाएगा एटी हो गया। क्लियर यहां तक, क्लियर। इसको ऐसे लिख दीजिए, थोड़ा सा सजा दीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, मैं अभी तो भूल गया था इसे बताने के लिए। एम जीरो लिख सकते हैं, एल जीरो ए टी, या फिर कहीं ऐसे भी इसे लिख दीजिए, ज्यादातर एम जीरो एल जीरो टी ए इस टाइप से लिखा हुआ, दोनों सही है, ये भी सही ये भी सही ये भी सही ये भी सही, सब सही ठीक है। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसी में आप लोग, जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, किसका बताऊँ, पोटेंशियल की बात कर लेते हैं, वोल्टेज की बात कर लेते हैं, वोल्टेज की बात करते हैं ठीक है। वोल्टेज क्या होती है जी, वर्क डन पर अपॉन चार्ज होता है ठीक है। वर्क डन का अभी मैं वहां पे जो बताया डायमेंशन, सभी का सेम होता है डायमेंशन, अभी निकाला ना पावर में वर्क डन का, अब वर्क का भी निकाला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डायमेंशन याद रखिएगा, या फिर याद नहीं है तो आप इसे निकाल सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगाकर ठीक है। तो मुझे तो याद है, तो मैं यहाँ लिख दूँ एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो गया। और उसके बाद क्यू का क्या होता है, आई टी अभी जस्ट निकाला, देख सकते हैं क्या निकाला जी, ए टी निकाला ठीक है। क्लियर याद, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ऊपर चल जाएगा ए टी इनवर्स। क्लियर यहां तक, तो इसे सजा लेते हैं भाई, एम एल स्क्वायर टी क्या हो जाएगा माइनस थ्री हो जाएगा। क्लियर वर्क का है, देखिए वोल्टेज का ये आ गया, पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलिए, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट, जेई के लिए बात कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जेई में, जेई में ये क्वेश्चन आस्क्ड है दोस्तों, मैं सेट करवा रहा था तो वहां पे देखा था ईएमएफ का क्वेश्चन पूछा हुआ है, और वोल्टेज का देख सकते हैं, वोल्टेज ईएमएफ दोनों सेम ही होता है, बस नाम अलग अलग है, अलग अलग कंडीशन में नाम अलग अलग कर दिया गया है ठीक है। यहाँ तक क्लियर सभी को, ब्रैकेट लगा लीजिए जी, नहीं तो आधा अधूरा छोड़ना अच्छी उचित बात नहीं है। इसके बाद आपसे मैं बात करूं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का भी पूछा जाता है, रेजिस्टेंस तो आपको पता है, रेजिस्टेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड में करवा दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में करवा देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला सोचे ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स हो चाहे फोर्स हो, डायमेंशन सेम होगा, क्या मैं बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फोर्स हो या फोर्स हो डायमेंशन सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, तो फोर्स क्या हुआ जी एम एल टी माइनस टू, चार्ज का भी डायमेंशन निकाला एटी। क्लियर यहां तक, इसके बाद क्या होगा मेरे मित्र, एम एल टी माइनस टू ए इनवर्स टी इनवर्स, चलो भाई यहां लिख देते हैं ऊपर थोड़ा सा हो जाए स्क्रीन, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री इंटू ए माइनस। क्लियर,
लेकिन दोस्तों हम तो यहाँ पे गलती कर बैठे, आप लोग नहीं कीजिएगा। देखिए क्या यहाँ पे स्क्वायर कहाँ से लिख दिए, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। आप लोग सोच रहे होंगे सर स्क्वायर कैसे लिख दिए, सर गलत कर रहे थे, स्क्वायर यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। एम एल, देखिए ना इसमें कोई एल है ही नहीं, तो हम स्क्वायर कैसे लिख दिए, एम एल टी माइनस क्यू ए। चलिए क्लियर है यहाँ तक, इलेक्ट्रिक फील्ड का याद रखिएगा जी, उसके बाद आप लोग निकाल सकते हैं। तो और कुछ किसी का मैग्नेटिक फ्लक्स का पूछा जाता है जब कभी, लगभग तो मैं बता दिया सभी का, इससे ज्यादा तो कुछ पूछता नहीं है। मैग्नेटिक फ्लक्स भी पूछ लिया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट जो होता है दोस्तों एम टी माइनस टू ए इनवर्स इनटू एल स्क्वायर। तो इसी को आप फर्दर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा जी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इनवर्स। क्लियर है यहाँ तक, ये भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद कुछ कुछ आपसे पूछेगा, तो और तो कुछ पूछना नहीं चाहिए, बाकी जो है सब बहुत ऊपर लेवल के। हाँ मैग्निफिकेशन एक याद रखिएगा, ठीक ना, एक मैग्निफिकेशन आप लोग याद रखिएगा। ऑप्टिक्स में भी कुछ पूछेगा तो मैग्निफिकेशन से ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं। मैग्निफिकेशन क्या होता है जी, इमेज का डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। इमेज डिस्टेंस क्या होती है पता है ना सभी को, लेंथ में, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी लेंथ में। तो क्या यहां से निकलेगा, कट जाएगा तो वन। मैग्निफिकेशन भी डायमेंशन लेस है, मैं लास्ट में लिखवाऊंगा क्या क्या डायमेंशन लेस है। एम जीरो एल जीरो टी जीरो, क्लियर, लिख सकते हैं ऐसे। तो जाहिर सी बात है याद रखिएगा, मैग्निफिकेशन स्ट्रेन एंड एंगल, ध्यान दीजिए तीन चीज, मैग्निफिकेशन स्ट्रेन एंड एंगल, ये सब डायमेंशनलेस क्वांटिटी हैं दोस्तों। आपसे पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो याद रखना मैग्निफिकेशन स्ट्रेन की मैं बात कर रहा हूँ, और एंगल। इसके साथ साथ एक और होती है मेरे मित्र, इफिशियंसी। इफिशियंसी जो होती है आउटपुट वर्क या आउटपुट एनर्जी बाई इनपुट वर्क या इनपुट एनर्जी लिखते हैं। आइए थोड़ा सा समझ लें क्योंकि इम्पोर्टेंट है, मेरा माइंड में आ गया तो मैं बता देना चाहता हूँ। इफिशियंसी जो होता है वो क्या होता है जी, आउटपुट वर्क या इसे एनर्जी भी बोले, सब केस में इफिशियंसी आपका भी निकाला जा सकता है, इफिशियंसी एक मशीन का भी निकाला जा सकता है बाई इनपुट वर्क, ठीक है। इनपुट वर्क क्या है, इनपुट एनर्जी। तो जाहिर सी बात है ऊपर में भी यूनिट और नीचे में भी यूनिट सेम है, तो कट के वन आना ही है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है इसमें। तो क्या आ जाएगा, एम एल एम जीरो एल जीरो टी जीरो आ जाएगा। थोड़ा सा चलिए यहाँ पे जब सर सिखा रहे हैं तो दिमाग लगा के समझ लेते हैं। आपको पता होना चाहिए दोस्त कि वर्क का क्या भी लिखे, यही ना लिखे एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो इसका भी यही हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, कट जाएगा वन आ गया वन, यानी है। यानी कहने का मतलब आज के बाद चार चीज पता हो गया, क्या पता हुआ, एंगल, इफिशियंसी, ठीक है, इसके बाद मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इसके बाद क्या जी, स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या है, आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्लियर। इसके बाद दोस्तों डायमेंशन की में हम, मैं सब सबका बात कर लिया, जितना था लगभग सभी का हम लोग देख लिए डायमेंशन। अब थोड़ा सा देखते हैं यूनिट के, ठीक है ना, इससे ज्यादा आपको नहीं कुछ पूछेगा डायमेंशन का, ठीक है। इसके बाद जरा यूनिट का देख लेते हैं, यूनिट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। चलिए थोड़ा सा यूनिट्स देख लेते हैं। यूनिट्स दोस्तों एक होती है, यूनिट्स फंडामेंटल होती है और दूसरी ड्राइव्ड होती है। फंडामेंटल यूनिट्स आपको याद रहेगा तो उस यूनिट से आप सारा का यूनिट ड्राइव कर लीजिएगा,
बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। जैसे कभी कभी पूछ देता है फोर्स का, वर्क डन का, पावर का, जिसका मैं अभी डायमेंशन बताया। ऐसे तो डायमेंशन पहले यूनिट ही बताना चाहिए था, उसके बाद डायमेंशन बताना चाहिए था, लेकिन दोस्तों मैं डायमेंशन को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया ताकि स्टार्टिंग तक लोग वीडियो देखते हैं, लास्ट में स्किप करने का कोशिश करते हैं, इसलिए डायमेंशन में सिखा दिया। और यूनिट भी सीखेगा क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। यूनिट जो है आपको पता होना चाहिए, जैसे फिजिकल क्वांटिटी तो मैं ऊपर बताया, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेंट, इस सबका बताया। इसमें फंडामेंटल यूनिट जो होता है वो देखिए क्या होती है। फंडामेंटल यूनिट मैं बात कर रहा हूँ, तीन याद रखिएगा, लेंथ याद रखिएगा, मास याद रखिएगा जी, और टाइम याद रखिएगा। ठीक, ऐसे मैं सात बताया था ऊपर, वो भी फिजिकल, वो फिजिकल क्वांटिटी याद रखिएगा, ठीक ना। फंडामेंटल में बात कर रहा हूँ, इसमें तीन याद रखिएगा। लेंथ का सीजीएस की मैं बात कर रहा हूँ, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, मास का ग्राम, टाइम का सेकेंड। इसके बाद देखा जाए एमकेएस यूनिट, इसी को एसआई यूनिट भी बोला जाता है, एमकेएस यूनिट को एसआई यूनिट भी बोला जाता है। ये मास, ये जो है एमकेएस यूनिट फ्रांस के द्वारा दिया गया था, सीजीएस भी फ्रांस के द्वारा, और एफपीएस यूनिट ओरिजिनेटेड इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में एफपीएस फुट पर सेकेंड वाला यूनिट। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सभी को? मास को किलोग्राम, इसी को एसआई यूनिट भी बोल सकते हैं। ठीक, उसके बाद केजी से फिर एश हो गया, ठीक है, टाइम का ही सेम रह जाता है। उसके बाद एफपीएस माइंड में रखिएगा, इससे कोई पूछता नहीं है। एफटी हो गया, एलवी हो गया, फुट हो गया, ठीक है, एलवी हो गया और सेकेंड हो गया। चलिए इसके बाद जरा थोड़ा सा ड्राइव कर लेते हैं। ड्राइव ये तो हो गया तीन फंडामेंटल, ऐसे फंडामेंटल सात याद रखिएगा जी, लेकिन तीन अक्सर पूछा जाता है, तीन एकदम माइंड में होना चाहिए। जो पूछा जाता है वही मैं बता रहा हूँ, वही पढ़ना चाहिए जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ड्राइव में देखिए, जैसे हम लोग ड्राइव करते हैं फोर्स का, फोर्स क्या होता है जी, न्यूटन होता है ना, एसआई यूनिट। आपको पता होना चाहिए फोर्स का सीजीएस यूनिट डाइन होता है, डाइन ये ड्राइव है, और इसका न्यूटन, और इसका जो एफपीएस में बात करें तो पाउंडल होता है, क्या होता है, पाउंडल होता है, ये सब ड्राइव है, ये फंडामेंटल है। इसके बाद ड्राइव में अगर बात करें तो बर्क का पूछा जाता है, सॉरी यहाँ पे देखिएगा, बर्क का जो होता है वो सीजीएस अर्ग होता है, और ये जूल होता है जी, कैपिटल जे से लिखते हैं, और फुट पौंडल होता है इसका एपीएस। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद थोड़ा सा हम लोग मूव ऑन करते हैं, थोड़ा सीखते हैं ड्राइव करने के लिए। वर्क जो होता है ना जी, फोर्स क्या होता है, जैसे पहले वेलोसिटी लिखानी है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मेजर करते हैं, लेंथ है, मैं ऊपर बता रखा था लेंथ वाला, जो सात को फिजिकल क्वांटिटी बताया था उसे माइंड में सभी को पता होना चाहिए, जिसमें लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बताया था। टाइम को क्या लिख सकते, सेकेंड में क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड, क्लियर। इसीलिए फोर्स का क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या होती है जी, मास को केजी में मेजर करता है, एक्सेलरेशन किस में, मीटर पर सेकेंड में हुआ है, केजी मीटर पर सेकेंड इनवर्स, ठीक है, इसी को न्यूटन कहा जाता है। क्लियर यहां तक? सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलना, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिए। इसके बाद आपसे मैं बात करूं, थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूं, पावर वगैरह का पूछा जाता है। पावर तो आप लोग निकाल लीजिएगा, वर्क डन अपॉन टाइम से सेम यही कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा छूट रहा था ना, वो जैसे सप्लीमेंट्री यूनिट होता है, ठीक है ना, तो सप्लीमेंट्री यूनिट में आपको पता होना चाहिए मेरे मित्र, सप्लीमेंट्री यूनिट में जैसे रेडियन होता है, स्टेडियन होता है, ये दोनों सप्लीमेंट्री यूनिट है, ठीक है। और दूसरी बात जो होता है, रेडियन जो होता है वो प्लेन एंगल्स के लिए होता है, रेडियन सप्लीमेंट्री यूनिट। थोड़ा सा कलर को चेंज कर लिया जाए। एक होता है क्या जी, पूछा जाता है सप्लीमेंट्री यूनिट,
पूछ लिए जाते हैं, एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो रेडियन होता है ना वो प्लेन एंगल के लिए होता है। प्लेन एंगल्स के लिए क्या होता है? रेडियन होता है, रेडियन। इसे क्लियर यहां तक? आरएडी लिखते हैं। उसके बाद जो होता है जी एस्ट्रेडियन, एस्ट्रेडियन जो होता है वो किसके लिए होता है? सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल के लिए क्या होता है जी? एस्ट्रेडियन होता है। इसे एशआर भी लिखो, स्मॉल कैपिटल एस, ठीक है। आपको पता होना चाहिए एस्ट्रेडियन जो होता है वो सॉलिड एंगल में मेजर करते हैं और प्लेन एंगल्स को रेडियन में मेजर करते हैं। दूसरी बात आपको याद रखने का क्लू, एस फॉर एस्ट्रेडियन, एस फॉर सॉलिड एंगल, याद हो गया। जब ये सॉलिड एंगल हो गया तो प्लेन के लिए रेडियन हो गया। चलिए इसके बाद थोड़ा सा प्रैक्टिकल यूनिट आता है, जैसे लाइट ईयर हो गया, हॉर्स पावर हो गया, ये सब दोस्तों प्रैक्टिकल यूनिट होता है। पता होना चाहिए 1 माइल में कितना किलोमीटर होता है, ये भी तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक ना? ये सब थोड़ा सा टर्म, जैसे 1 माइल में सब कॉमन चीज है, 1 माइल में 1.6 किलोमीटर होता है। चलिए या फिर इसे 1.6 × 10³ कर लीजिए, मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर, ये सब तो आप लोग कर लीजिएगा। 1 मीटर में कितने फीट होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। 1 मीटर में मित्र 3.2 फीट। क्लियर यहां तक? इसके बाद दोस्तों लगभग तो हम लोग सारा चीज देख लिए, इसके बाद तो कुछ है नहीं। 10th स्टैंडर्ड तक लगभग हम लोग सारा कुछ देख लिए, ठीक है ना? 10th स्टैंडर्ड तक। मैं आपको बता दूं इस चैनल पे आरआरबी एनटीपीसी, साथ साथ आरआरबी ग्रुप डी का क्लासेस बहुत ही जल्द, बहुत ही सुन, 1-2 दिन के अंदर बहुत ही अच्छे तरीका से स्टार्ट होने वाला है। जिस तरह का तरह से सीबीटी का हम लोग नॉन टेक का पूरा सिलेबस करवाएं, प्रैक्टिस सेट करवाएं, उसी तरीका से आरआरबी एनटीपीसी जे और साथ में ग्रुप डी का क्लासेस बहुत ही अच्छे तरीका से ऑर्गेनाइज हो रहा है दोस्तों। सो अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, साथ में वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दूसरी बात, आपको अगर इस चैनल का पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ मटेरियल है, तो आप टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कीजिए। आपको क्या करना है, टेलीग्राम पहले ऐप को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद आपको वहाँ पे studyindia@studyindia.com बिना स्पेस studyindia.com सर्च कीजिएगा तो studyindia.com ऑफिशियल चैनल आ जाएगा। उसे क्लिक कर कर आप उसे ज्वाइन कर लें, वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाता है 1-2 दिन के अंदर। और एक आपके लिए न्यू चैनल स्टडी इंडिया डा व्लॉग्स, उसे जरूर सब्सक्राइब कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसे सब्सक्राइब करने के बाद आपको उस पर भी जो स्टडी मटेरियल होता है उस पर भी पढ़ाई वगैरह करवाई जाती है, वो आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।